आप CSIR NET या IIT JAM Math Batches ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR NET IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री। डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। लेट AN, मैं डिफाइन कर रहा हूं AN इक्वल टू 1 माइनस cos 1 बाय N। फाइंड BN एंड CN। मुझे फाइंड BN CN बाद में लिमिट परिमिट में देखेंगे, पहले BN CN बताइए वो निकालना आता है कि नहीं। फाइंड BN एंड CN। क्या हुआ? इतना टाइम तो नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। नाउ 10 सेकेंड, 9, 8 BN की डेफिनेशन तो याद है ना? सीक्वेंस कैसी है? मोनोटोनिक है कि नहीं है? जब मोड तो एक तो मिल जाता है इंस्टेंट। द सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। 1 माइनस समथिंग एंड इट इज डिक्रीजिंग। कॉस लिखा है ना? अच्छा, कॉस हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब एन बढ़ेगा हमारा तो ये जीरो तरफ जा रहा है और ये जीरो तरफ जाएगा तो ये 1 की तरफ जाएगा, तो 1 माइनस 1 ये जीरो तरफ जा रहा है, तो इट इज व्हाट डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और ऐसे नहीं तो और सुंदर लिख सकते हो, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, तो 1 अपॉन 2 एन माइनस 1 उल्टा होकर गए यहां पर। ये प्लस इसको प्लस कर, इसको माइनस कर देते हैं, है ना। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 1 अपॉन 2 एन। हाँ, ऑब्वियसली ये मेरा डिक्रीजिंग है, खत्म। सबसे पहला काम तो BN CN पूछा था, एक बार दिमाग में आना चाहिए ना। और नहीं भी, किसी भी सीक्वेंस को हैंडल करने से पहले एक ही क्वेश्चन तो अपने आप से पूछो ना, बाउंडेड है कि मोनोटोनिक है। एक बार तो ये टेस्ट करो ही किसी भी पर्पज के लिए। द मोमेंट यू आर गिविंग सीक्वेंस AN, Try to ask whether you know it is monotonic or not. It will help you. नहीं तो expression कर दो तो वहां से मालूम चल जाएगा, है ना। First term cancel होगा, उसके बाद plus minus 1 n square वो। In any way, this is what sequence AN equal to twice sine square 1 by 2 n, है ना। तो ये अब angle मेरा कम हो रहा है, तो ये भी मेरा कम होगा। साइन मेरा कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब एंगल बढ़ता है तो फंक्शन बढ़ता है, एंगल कम होता है फंक्शन भी कम होता है। एंगल जब एन बढ़ रहा है तो मेरा एंगल कम हो रहा है, तो पूरी वैल्यू एन की क्या होगी? कम। इट इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जब सीक्वेंस मेरी डिक्रीजिंग होती है तो BN मेरा AN बन जाता है, है ना। किसी एन BN व्हेन AN is decreasing, then BN equal to AN. What is BN? Supremum of AN, AN plus 1. तो अगर डिक्रीजिंग सबसे पहला टर्म सुप्रीमम, तो what is B1? B1 is sup A1, A2. B2 is supremum of A2, A3 and so on. Since decreasing, यही supremum बनेगा इसका, अब ये बनेगा and so on. तो in this way BN equal to AN, है ना। तो BN मेरा क्या बन गया? AN।
और सी एन इक्वल टू जीरो, इस सबका इसका इन्फिमम जीरो, ठीक है। अब इसका देन इन्फिमम ऑफ बी वन बी टू बी एन, इन्फिमम ऑफ बी वन बी टू बी एन जीरो, सुप्रीमम ऑफ सी वन सी टू, उल्टा तो नहीं कर गए, हाँ सही है, दिस इज जीरो, सो लिमिट सुपीरियर जीरो, लिमिट इंफीरियर जीरो, ठीक है। ट्राई टू लर्न इन पार्ट्स कि व्हाट इज बी एन, व्हाट इज सी एन, हाउ टू फाइंड बी एन, हाउ टू फाइंड सी एन, ठीक है। अपने जो क्वेश्चंस है ना उनको फ्रेम कीजिए, हमें क्या नहीं आता, हमको ये नहीं निकाल पाते, वो नहीं निकाल पाते, कैसे तय होगा, आप उस चीज पे काम करो, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे निकालते हैं, आपको मैक्सिमम निकाला नहीं आता, सुप्रीम निकाला नहीं आता, उस पर काम कर लो, देखो ये बढ़ रहा है घट रहा है कैसे, यू विल बी एबल टू फाइंड, ठीक है। सो लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर पिछली बार हमने चर्चा की थी, है ना। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर, क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंसेस, देयर आर थ्री क्लासेस, कन्वर्जेंट, लिखाया था ये नहीं, कन्वर्जेंट किसे बोलते हैं सीक्वेंस को, लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ए एन इक्वल टू एल फाइनाइटली, एंड देन लिमिट ए एन इक्वल टू एल। तो इससे ये ज्ञान मिलता है कि वेन यू नो द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, देर इज नो पॉइंट ऑफ फाइंडिंग लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर सेपरेटली, दैट हैज टू बी लिमिट। ये तो कह रहा है वो, इफ लिमिट सुपीरियर इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर फाइनाइटली से एल, दोनों जिससे इक्वल है किसी एल के, वो एल क्या होना चाहिए, फाइनाइटली, क्योंकि सुपर इन्फीम हमने इन्फिनिटी भी यूज किए है टर्म, सुपर इन्फीम लोग इन्फिनिटी यूज करते हैं टर्म ना, सुप एस इज प्लस इन्फिनिटी अनबाउंडेड अबव, सो इफ लिमिट सुपीरियर इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर फाइनाइटली देन वी से सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इज इक्वल इन डेफिनेशन, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये सी फाइव मेरे ख्याल से आपकी हो गई। इफ यू वॉन्ट टू क्लेम अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस इज अनदर वे टू क्लेम, जस्ट इक्वेट लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर एंड दैट इक्वालिटी इज ड्यू टू फाइनाइटनेस, ठीक है, इन दैट केस एंड देन दिस वैल्यू विल बिकम द लिमिट इटसेल्फ। ये काम आपने रीमान इंटीग्रेबिलिटी में भी किया होगा बचपन में, अपर इंटीगल लोअर इंटीगल वेन दे आर इक्वल इंटीग्रेबल एंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ इंटीगल, है ना। तो कुछ कुछ उसी सेंस में, यहां से अपर से जा रहे हैं लोअर से जा रहे हैं, एक जगह जाके मिल रहे हैं, इस सबका मैक्सिमम से इन्फिमम, इसके इन्फिमम से मैक्सिमम, तो वहीं जाके मिल जा रहे हैं, सो दैट इज लिमिट। अब आपसे पूछे अगर दोबारा वन माइनस कॉस वन बाई एन, आपको पता है ये कॉन्स्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कॉस वन बाई एन कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, कॉस वन बाई एन मोनोटोनिक है सीक्वेंस नहीं है और बाउंडेड है, कन्वर्जेंट होगी नहीं होगी, कॉस वन बाई एन मोनोटोनिक, क्यों मोनोटोनिक है, आप करके देख लो, है ना, ए एन प्लस वन माइनस ए एन करोगे, कॉस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस कॉस वन बाई एन, कॉस थी माइनस कॉस जी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए क्या हो रहा है, साइन अपने आप आ जाएगा, सो दिस इज मोनोटोनिक एंड कॉस थीटा वट एवर थीटा लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन, सो बाउंडेड, सो कॉस वन बाई एन इज बाउंडेड, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस कॉस वन बाई एन इज कन्वर्जेंट, वन कॉन्स्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट, देयर डिफरेंस कन्वर्जेंट, सो वेन दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट वट शुड बी लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर इक्वल टू लिमिट, इसकी लिमिट पता है वन माइनस कॉस वन बाई एन की लिमिट क्या आएगी जीरो, लिमिट सुपीरियर जीरो लिमिट इन्फीरियर जीरो, इतनी माथा पच्ची की जरूरत ही नहीं थी, बट वो भी एक टास्क है एग्जाम में, ये भी तो पूछता है, ठीक है। यू शुड नो हाउ टू फाइंड बी एन, हाउ टू फाइंड सी एन, तो काम तो करनी चाहिए आपको, व्हाट इज बी एन, दो बार करोगे तो याद हो जाएगा ये बी एन निकालते हैं, एक तो ये भी करना होगा ना, यस व्हाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑन सीक्वेंसेस इफ एन इज गिवन योर फर्स्ट थॉट शुड बी वेदर इट इज मोनोटोनिक और नॉट, लाइफ में मोनोटोनिक अच्छा होता है हमेशा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जब लिमिट क्वांटिटी पढ़ेंगे ना तो वहां एक बार जरूर चर्चा करेंगे, इफ यू वॉन्ट टू गिव इन चॉइस टू बिकम अ फंक्शन विच काइंड ऑफ फंक्शन। जस्ट वॉचिंग वीडियोज वॉन्ट हेल्प, यू नीड टू प्रैक्टिस योर लर्निंग बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। गेट द लेटेस्ट प्रैक्टिस बुक्स फ्रॉम डिप्स,
क्लिक ऑन द लिंक टू बाय नाउ. यू वॉन्ट टू बी मोनोटोनिक फंक्शन और कॉन्टिन्यूस फंक्शन विच इंक्रीजिंग, और उसके साथ जोड़ दिया प्रॉब्लम सेट, वो भी इंक्रीज करेगा साथ साथ. तो इंक्रीज क्या इंक्रीज करना चाहिए, विच वैल्यू शुड इंक्रीज. इट्स अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड कि हर एक साल पर जो प्रॉब्लम होती है वो भी इंक्रीज कर जाए या हैप्पीनेस. तो इफ दैट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ना. बट वेन यू वॉन्ट टू सिलेक्ट सर्टेन टाइप ऑफ फंक्शन और सर्टेन टाइप ऑफ थिंग, यू एसोसिएट प्रॉपर्टीज. जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी हम वैसा बनना चाहेंगे, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी रियल एस्टेट वो बनना चाहेंगे. सो दैट द फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने पीछे भी यही देखा था जब पिछला क्वेश्चन था, मोनोटोनिक होना बहुत. अगर आपसे बीएन पूछ रहा था तो इसमें उसी ने काम किया ना आपका, कि द मोमेंट इट इज मोनोटोनिक यू नो यू डोंट नीड टू फाइंड. अगर आप कहोगे मान लीजिए कॉस वन बाई एन, बताइए ये मेरी सीक्वेंस है ए एन, व्हाट इज बी एन, व्हाट इज बी एन, बी वन, ओफो दोस्तों, व्हाट इज बी वन, सुप्रीम ऑफ ए वन, इट सुप्रीमम कॉस वन, कॉस वन बाई टू, कॉस वन बाई थ्री, ये मेरा इंक्रीज करता हुआ जा रहा है. सुप्रीम क्या आएगा, वन, बी वन इज वन, बी टू इज वन, बी थ्री इज वन, एंड सो ऑन. What is Cn? Now you have a right. Since it is increasing, and in case of increasing, Cn equal to An. तो ये Bn, ये Cn. कम से कम ये भी तो निकालना आना चाहिए. यही क्वेश्चन भी तो बन सकता है. क्वेश्चन ऐसे कैसे कि जिस तरह से आपको पढ़ाया जाता है वही वही क्वेश्चन आप एग्जाम चिपका हुआ चला आएगा. जय हो. इट इज नॉट दैट केस कि वो जो पढ़ाया जा रहा है वही आएगा. इट इज अ मैथमेटिक्स विच दे वॉन्ट टू फ्रेम. वो कुछ भी फ्रेम कर सकते क्वेश्चन. कल चर्चा कर रहे थे ना कि अपन लोगों ने उसमें फ्रेम किया था वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, जो जिसमें एन स्क्वायर माइनस टू के आंसर आया था, एंड के इज सम ऑफ को प्राइम्स लेस देन एन, एंड इज वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन दिस. और ये बनाया था अपन लोगों ने, ए आई जे इज जीरो वन आई एंड एन आर को प्राइम, ऐसा डब्ल्यू बना के वेक्टर स्पेस की डायमेंशन पूछी जा रही थी. कल ही की चर्चा है, किसी क्लास में हुई थी ये. वो कहां दिमाग लगा के बैठा हुआ है, उसको सामने दिखा तो बना लिया. व्हाट इज के, एक्चुअली था आंसर एन इन टू फाइव एन, और वन अपॉन टू करके के बन जाता है तो टू के कर दिया. ये याद कराने के लिए आपको, ये कराने के लिए, ये सारा एक साथ मिल गया नहीं मिल गया. तो क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट में फ्रेम होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है ये पूछ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रखते जाओगे आंसर आ जाएगा. यहां पर आपसे कहा जा रहा है द मोमेंट यू हैव अ सीक्वेंस ट्राई टू थिंक वेदर इट इज मोनोटोनिक और नॉट. सिंपल, इससे कम से कम एक बी एन या सी एन में कोई मिल जाएगा रेडीमेड. ए एन और बी एन और सी एन में से कोई ना कोई एक ए एन के बराबर जरूर होगा अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो. इफ इट इज इंक्रीजिंग देन इट विल बी सी एन, इफ इट इज डिक्रीजिंग इट विल बी बी एन. एंड वो बी एन सी एन होते क्या है हमको मालूम है, डेफिनेशन मुझे पता है. इफ इट इज कन्वर्जेंट देन लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर बोथ विल बी इक्वल. ठीक है, और इन केस अगर आपको मालूम चल जाए ना, सपोज इफ ए एन इज सपोज इंक्रीजिंग देन बी एन विल बी लिमिट ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एच नंबर एंड सी एन विल बी ए एन. ये रेडीमेड हो गया. अगर ये इफ का इफ एग्जिस्ट एस प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये इंक्रीजिंग है अनबाउंडेड अबव है तो व्हाट इज बी वन सुप्रीमम, वो प्लस इनफिनिटी वही आ जाएगा. बी टू प्लस इनफिनिटी वो तो वैसे ही आ जाता है ना. ये अभी यही हुआ ना, कॉस वन बाई एन में बी एन हमेशा वन आ गया और सी एन खुद वही आ गया. एक तो ये, दूसरा होता है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, सीक्वेंस हैड टू बी डाइवर्जेंट इफ लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ए एन इनफाइनाइटली. मतलब दोनों प्लस इनफिनिटी हो या दोनों दोनों प्लस इनफिनिटी हो या दोनों माइनस इनफिनिटी हो, दोनों ही होना चाहिए. एग्जाम्पल नंबर फोर फाइव सिक्स नहीं सेवन नहीं एट नहीं नाइन नहीं टेन.
10, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 18, 19, 20, 21 is perhaps caught 1 by N. 21 caught 1 by N. Caught 1 by N. 20 है ये. तो 20 कर दो उसको. 21 क्या फाइनल अच्छा साइन एन पाई बाई टू प्लस माइनस वन पावर एन वो 21 है. ठीक है ये वाला ये एन ये माइनस एन ये फिबोनाची और ये कॉट वन बाई एन. ठीक है ये डाइवर्जेंट है. डाइवर्जेंट क्या चाहिए लिमिट सुपीरियर लिमिट इनफिनिट दोनों इक्वल आए इनफाइनेटली. तो इस केस में जो लिमिट अपर लिमिट है जैसे ए एन इक्वल टू एन इस केस में लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी था और लिमिट इन्फीरियर भी प्लस इन्फिनिटी था. याद है ना ये तो ठीक है. इस केस में दोनों माइनस इन्फिनिटी इस केस में दोनों टेंथ फिबोनाची प्लस इन्फिनिटी इस केस में क्या है प्लस इन्फिनिटी दोनों में कंफर्म. इसी में एक नोट लगा सकते हो फॉर एनी मोनोटोनिक सीक्वेंस ए एन चाहे जैसी भी हो लिमिट सुपीरियर इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर या तो फाइनेटली या इनफाइनेटली इनमें हमेशा ये इक्वली होता है. मोनोटोनिक इवन इवेंचुअली भी कर लो ना तब भी इवन इफ इट इज इवेंचुअली मोनोटोनिक देन ऑल्सो जो सीक्वेंस मोनोटोनिक होती है जो सीक्वेंस मोनोटोनिक होंगी उसमें लिमिट सुपीरियर लिमिट इनफीरियर हमेशा इक्वल आएंगे या तो फाइनेटली या इनफाइनेटली यानी या तो कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं उसके अलावा कुछ नहीं करती वो. और ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी लिमिट superior is not equal to limit inferior. इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास थे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 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
कुछ भी, ठीक है, नॉट इक्वल वाली बात कर रहे हैं यहां पर. एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, 11 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14. अच्छा ये इसमें जो 18 था ना एग्जाम्पल, 18 हमारा है cos 1 by sin 1 by n, में उसको लेके चल रहा हूं, कंफर्म कर लो. sin 1 by n cos 10 sequence 2017 nr method newton epsilon an 13 root 2 plus an geometric mean arithmetic mean 1 minus minus 1 power n upon n और 1 by n, ठीक है. उसके आगे भी कुछ है वैसे तो 23 तो अभी प्रूफ किया ना, 25, 26, 27, 28, 29, 23 आ जाएगा, 23, 1 plus 1 by 2 plus 1 by n, जो अभी प्रूफ किया जिसका n. अच्छा एक इंटरेस्टिंग ये है, ये जो क्वेश्चन है 23 an इक्वल टू, मैं ये मान के चल रहा हूं, कंफर्म कर लो, इसको जो प्रूफ किया ना ए एन टू पावर एन इज ग्रेटर देन एन बाई टू, ये ऑप्शन है क्वेश्चन का. जनरली इसको एनालाइज करते हैं लोग, दिस इज ऑप्शन. अभी नेट में पिछले एक दो एग्जाम पहले आया होगा ये क्वेश्चन, दो एग्जाम पहले मैक्सिमम, जहां पर इसके बारे में जो चार ऑप्शन उसमें से एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि इट इज बाउंडेड, एक ऑप्शन ये है इट इज कन्वर्जेंट, एक ऑप्शन लिमिट ए एन जीरो, ठीक है. होप यू आर लाइकिंग दीज लर्निंग वीडियोज. Want to study with Dubey Sir live?
Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. This is correct. Only this is correct. ठीक है, बाकी तीन एलिमेंट हो गए. अगर इसके बारे में इसको सबको पता होता है, इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, नॉट बाउंड, इट इज नॉट कर्नल बिकॉज इट इज नॉट कॉशी. वहां से बड़े आराम से प्रूफ होता है कॉशी से, यहां तो. बट ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो जानना चाह रहा था आपसे. मतलब कुछ सीक्वेंस के बारे में ना, कुछ अलग प्रॉपर्टी में जानना चाहता है, इसके बारे में ये जानना चाहता है वो. इस तरह से आप कोई लोअर बाउंड इंक्रीज कर लेना, ऐसे ऐसे नहीं. सो ये मेरी कन्वर्जेंट है. 20 कौन सी है? यूलर सीक्वेंस. 28 ई टू दी पावर साइन 1 पक्का साइन. ओ 24 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3. लेट मी कंफर्म, 1 बाई एन स्क्वायर टाइप का, ये 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 टाइप का, ये फैक्टोरियल टाइप का, और ये यूलर सीक्वेंस. इसको यहां शिफ्ट कर लो. साइन वाली नहीं है, प्रूफ कर पाएंगे नहीं है. क्यों नहीं है अभी दिखाते. अब तो ये प्रूफ कर लिया ना, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई एन वाला नहीं है. गुड, ये मिल गया मुझे ना. अब मैं साइन वाले की बात कर सकता हूं. क्लियर हो गया? तो जब ये अनइक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऑसिलेटरी है. तो आप 8th और 9th एग्जाम्पल को अगर गौर से देखो, या 6th एग्जाम्पल को, ये अनबाउंड सीक्वेंस है. ए एन इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन इंटू एन, ए एन इक्वल टू 4n, ए एन इक्वल टू 2np. ये जो सीक्वेंसेस मेरी हैं, दे ऑल आर अनबाउंडेड. इट इज नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर अबव. इट इज बाउंडेड बिलो दो बट नॉट अबव. इट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट अबव, बट स्टिल दे आर नॉट कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट. नाइदर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट. ये डाइवर्जेंट भी नहीं है. डाइवर्जेंट का मतलब ये नहीं होता कि अनबाउंड होना. अनबाउंड होने के बाद भी उसको डाइवर्ज करने के लिए रूल फॉलो करना होता है. लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इनफिनिटी शुड बी इक्वल इनफाइनाइटली. जैसे इस केस में जो लिमिट सुपीरियर है वो आएगा प्लस इनफिनिटी, और इस केस में लिमिट इनफीरियर जो आएगा माइनस इनफिनिटी. क्योंकि ना तो बाउंड अबव है तो प्लस इनफिनिटी, ना बाउंडेड बिलो है तो माइनस इनफिनिटी. नॉट इक्वल. जबकि डाइवर्जेंस क्या होना चाहिए? दोनों को इक्वल होना चाहिए इनफाइनाइटली. इस केस में लिमिट सुपीरियर प्लस इनफिनिटी, क्योंकि बाउंड अबव नहीं है, और लिमिट इनफीरियर 4. इस केस में लिमिट सुपीरियर प्लस इनफिनिटी और लिमिट इनफीरियर 2. दे ऑल आर, बिकॉज लिमिट सुपीरियर इज नॉट इक्वल टू लिमिट इनफीरियर, हैंस इट इज अनबाउंडेड अबव. इट इज नॉट डाइवर्जेंट नॉट कन्वर्जेंट. तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट और ऑसिलेटरी में. अच्छा, ऑसिलेटरी को भी क्या करते हैं, दो पॉइंट ऐड कर लेते हैं. फाइनाइट ऑसिलेट्स फाइनाइटली और इनफाइनाइटली. इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड वी से इट ऑसिलेट्स फाइनाइटली, और अनबाउंडेड इनफाइनाइटली. तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसी को फिर से आगे. ठीक है, ऑसिलेट्स फाइनाइटली और ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली. कैसे? इट सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड और अनबाउंडेड. ठीक है, मतलब एक बार कंफर्म हो जाए लिमिट सुपर लिमिट फिर हमारे अनइक्वल है तो कह दिया ऑसिलेशन. जैसे फर्स्ट एग्जांपल माइनस वन और एन ऑसिलेट फाइनाइटली, जबकि हमारा सेवेंथ और ऑसिलेशन भी है फाइनाइटली. सिक्स इनफाइनाइटली, एट्थ इनफाइनाइटली, नाइन्थ इनफाइनाइटली. कंफर्म? तो हम लोग जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन को अलग चलते हैं. नाउ थिंक ऑफ इफ अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट. वन वे बात कर रहे थे अभी. इफ लिमिट सुपीरियर लिमिट इनफीरियर इंप्लाइज डाइवर्जेंट. अब उल्टा, इफ डाइवर्जेंट, ये तो कंफर्म होगा लिमिट सुपर लिमिट इनफीरियर इक्वल आएंगे, बट इट हैज टू बी बाउंडेड बाय वन साइड एंड अनबाउंड बाय द अदर. कन्वर्स ट्रू नहीं है. अगर डाइवर्जेंट है सीक्वेंस तो एक तरफ से बाउंडेड होगी और एक तरफ से अनबाउंडेड. क्योंकि दोनों तरफ से बाउंड हो गई तो लिमिट सुपर लिमिट इनफीरियर हमारे फाइनाइट हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट निकल आते हैं. दोनों तरफ से अनबाउंडेड हो गई
तो दोनों अनइक्वल हो जाएंगे, एक माइनस वीटी और एक प्लस वीटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ अ सीक्वेंस, नोट लगाइए दो तीन छोटे छोटे से, पोस्टमार्टम कर रहे हैं साइड एफिशिएंस का, ऑब्जर्वेशन है सारे। इफ अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, इफ अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट देन इट इज बाउंडेड बाय वन साइड बट अनबाउंड बाय द अदर। इफ अ सीक्वेंस इज बाउंड इज इफ अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इट इज बाउंडेड बाय वन साइड बट अनबाउंडेड बाय द अदर अदर साइड। ये ऑब्वियस है, क्लियर है? ये ऑब्वियस तो नहीं, आपको देखना पड़ता है उसको बार बार जाके। ये ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चंस के यार, एग्जामिनेशन हॉल में कहां आपके पास टाइम होता है उस पर सोचा जाए। तो ये अगर दिमाग कहीं बैठे हुए हैं रिटेन कर पाते हो और सीधे आंसर मिलेगा आपको। बट इट इज नाउ ऑब्वियस व्हाई, इफ बाउंडेड बाय बोथ साइड, इफ बाउंडेड बाय बोथ साइड सो वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, लिमिट में हाउ द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट वी फाइंड इट्स सुप्रीमम, लिमिट सुपीरियर, इट्स इन्फिमम, लिमिट इन्फीरियर। व्हेन सीक्वेंस इज बाउंडेड सेट ऑफ लिमिट पॉइंट इज बाउंडेड, सुप्रीमम विल बी फाइनाइट, इन्फिनिट फाइनाइट, सो बोथ विल बी फाइनाइट, इट कैन नॉट डाइवर्ज बिकॉज फॉर डाइवर्जेंस बोथ शुड बी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, डन। सो कैन नॉट बी बाउंडेड बाय बोथ साइड। नाउ केस टू, इफ अनबाउंडेड बाय बोथ साइड द लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी, लिमिट इन्फीरियर माइनस इन्फिनिटी, अगेन नॉट डाइवर्जेंट, इट हैज टू बी बाउंड बाय वन साइड एंड अनबाउंड बाय द अदर साइड। बट नॉट कन्वर्सली, इफ अ सीक्वेंस इज बाउंड बाय वन साइड एंड अनबाउंड बाय अदर साइड इंप्लाइज डाइवर्जेंट। नो, योर एट्थ एग्जाम्पल, नाइन्थ एग्जाम्पल, एट्थ एग्जाम्पल लिमिट सुपीरियर प्लस इन्फिनिटी, लिमिट इन्फीरियर फोर, नॉट डाइवर्जेंट। जबकि रेंज क्या है, कंपोजिट, बाउंडेड बिलो, नॉट बाउंडेड अबव, सो वन वे ट्रू है। It does not imply if a sequence is bound below but not above means divergent. Confirm? Agar divergent hai, to aisa hoga. We have count example. This list is very exhaustive list. You can utilize this list properly. Aapko dimag lagana hoga aur kya kar sakte hain sequence se. Inse aur nahi sequence banegi aapki. Yahan to koi dikkat nahi hai. Pakka? Aage, last. Just leave it. Kuch log uncomfortable ho rahe hain. Ye chhod dete hain. मैं अभी से बोल दे रहा हूं, नेक्स्ट अगले फ्राइडे को क्लास, हर फ्राइडे को क्लास सुबह 8:30 हुआ करेगी। इट विल बी फ्रॉम मॉर्निंग वन डे यू हैव टू टेक पेन, इतना तो बनता है 8:30 पे। अब गर्मी भी आना शुरू हो जाएगी ना, तो आफत नहीं है। 8:30 ओनली वन डे फ्राइडे, 8:30 to 1:30 मैक्सिमम वन, ठीक है, जो भी मिल जाए टाइम। ठीक है, लिख लीजिए लास्ट स्टेटमेंट। क्या लिख रहे थे, कौन सा नोट? बाउंडेड बाय वन साइड, वो लिख लिया आपने ना, छोड़ो, हो गया, हो जो होना था भुला दिया आपने। नेक्स्ट, अब यहां तो बस लिमिट्स पे लिमिट, फिर जो नए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे बस अलग, करना क्या है वो देख लीजिए। विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज इंफॉर्मेशन we can discuss the sequence of natural number and sequence of rational. For that only we are discussing limit super limit inferior, because sequence of natural number has a special character and sequence of rationals because they are of the form pn upon qn. rational number to aise hota na, upar niche kya hota, integer hi hote hain, theek hai. ek point aur likh lijiye, isme main note laga lijiye, yaad aa gaya, theek hai. a divergent sequence has no limit point. About divergent लिख रहे हैं हम लोग, a divergent sequence has no limit point and its every subsequence is and its every subsequence is divergent. ये बिल्कुल वैसी ऐसी convergent है। a divergent sequence has no limit point one and its every subsequence is divergent. वही जाएगी जहां सीक्वेंस जा रही है, अगर ये प्लस एम डी गई तो वही प्लस एम डी गई। एंड नेक्स्ट इसी में, इफ ए एन इज डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट एंड ए एन इज ग्रेटर देन जीरो, ए एन इज डाइवर्जेंट एंड ए एन इज लेस देन जीरो, दो केस, इस केस में कहां जाएगा? दिस इंप्लाइज ए एन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी,
एंड दिस इंप्लाइज ए एन टेंस टू प्लस इंफिनिटी एंड देन लिमिट वन अपॉन ए एन इज जीरो एंड हियर लिमिट वन अपॉन ए एन इज जीरो. ये रेसिप्रोकल ऑफ अ डायवर्जेंस सीक्वेंस इफ डिफाइंड इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू जीरो. ऑब्वियसली इसको जितना था उतना बड़ा कर सकते हो. अगर आप ए एन को एन से बड़ा कर सकते हो तो वन अपॉन ए एन को वन बाई एन से छोटा कर सकते हो. और लगा दो यहां पे आर्गुमेंट प्रॉपर्टी, दिस इज पॉजिटिव, दिस कैन बी मेड एस एस स्मॉल एज प्लीज. सो वन अपॉन ए एन माइनस जीरो इज लेस देन एप्सन वेन एवर एन इज इक्वल टू एम हो जाएगा. तो वन अपॉन ए एन टेंस टू जीरो. ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, बड़े काम के हैं. ये आपने नोटिस किया होगा सीक्वेंस में हमने पहले रिजल्ट अलग बनाए, मोनोटोनिक की अलग प्रॉपर्टी, डाइवर्जेंट बाउंडेड की अलग प्रॉपर्टी एंड देन समराइजिंग कनेक्टिंग ऑल दोस रिजल्ट फॉर कन्वर्जेंस. ठीक है, चलिए कल कंपोजिट करेंगे. आप CSIR NET या IIT JAM Math Batches ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR NET IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री. डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए.